गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आई मनीषा फ्रॉम सूर्य स्कूल, गोइंग टू एक्सप्लेन चैप्टर 9, मैडम राइड्स द बस। मैडम इज़ अ गर्ल, शी इज़ 8 ईयर ओल्ड गर्ल। वो जो गर्ल है यहाँ पर जिसका नाम वाली है, वो अपनी फैमिली में सिंगल चाइल्ड है और उसकी जो स्ट्रीट है, उसकी गली के अंदर बच्चे जो हैं वो भी नहीं है उसके साथ खेलने के लिए, इसलिए वो अपना मोस्टली टाइम दरवाजे पे खड़े होकर ट्रैवल करती हुई बस को देखती है। नेक्स्ट पैराग्राफ जो बता रहा है, द मोस्ट फैसिनेटिंग थिंग फॉर वाली इज़ अ बस दैट ट्रैवल्स फ्रॉम हर विलेज टू द नियरेस्ट टाउन। यानी कि सबसे इंटरेस्टिंग जॉब थी उसकी, उस ट्रैवल करती हुई बस को देखना जो उसके विलेज से टाउन के लिए ट्रैवल करती थी। और ये जो बस है लगभग 1 घंटे का टाइम लेती थी विलेज से टाउन जाने के लिए। अ स्ट्रॉन्ग डिज़ायर विल फील्स वालीज़ माइंड, और वाली की बहुत ही स्ट्रॉन्ग डिज़ायर थी उस बस के अंदर ट्रैवल करना। शी वॉन्ट्स टू राइड एट लीस्ट वन टाइम इन दिस बस, दैट्स वाई शी वॉज कलेक्टिंग ऑल द इन्फॉर्मेशन अबाउट रिगार्डिंग दैट ट्रैवलिंग। ठीक है, वो सभी की सभी जो इन्फॉर्मेशन है कि किस टाइम आती है, कहाँ से कहाँ जाती है, कितना उसका चार्जेस वगैरह है, वो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करती है। किससे करती है? ये आने जाने वाले पैसेंजर्स से। ड्यूरिंग अ विलेज फेयर शी स्टिफल्स हर डिज़ायर टू राइड द मैरी गो राउंड। और इसके लिए यानी कि बस के ट्रैवलिंग करने के लिए, यानी कि जो विलेज के अंदर जो फेयर लगा था उसमें जो उसके झूले वगैरह थे, स्विंग थे, जस्ट लाइक मैरी गो राउंड, उनको भी वो क्या कर देती है, इग्नोर कर देती है, क्योंकि उसके लिए उसे पैसे कलेक्ट करने थे। इन द थर्ड पैराग्राफ, एट लास्ट वन फाइन स्प्रिंग डे वाली बोर्ड द आफ्टरनून बस। वाली ने जो है दोपहर में जो जब बस आई उसके टाउन से गांव में, तो उसने बस की सवारी की, यानी कि बस में वो चढ़ जाती है। शी इज़ ऑल अलोन, वो टोटली अकेली थी। लकीली द कंडक्टर इज़ अ काइंड एंड जॉली फेलो। जब वो बस में ट्रैवल करती है तो उस बस का जो कंडक्टर था, दैट वाज अ वेरी नाइस पर्सन, वो बोली बहुत ही जॉली नेचर का था, वो वाली की हर पॉसिबल हेल्प करता है उस ट्रैवलिंग करने में। नेक्स्ट पैराग्राफ में द लोअर पार्ट ऑफ द विंडो, अब उस बस का सीन है जिस बस में वाली ट्रैवल कर रही है। वाली एक सीट के ऊपर बैठी हुई है, विंडो सीट के ऊपर, उसी के बारे में बताया जा रहा है। द लोअर पार्ट ऑफ द विंडो हैज़ अ ब्लाइंड, यानी कि उस विंडो पे कर्टेन लगे हुए थे जिसकी वजह से वाली जो है बाहर का सीन नहीं देख पा रही थी। ऑन वन साइड देर इज़ अ कैनल, और जब वाली कर्टेन को थोड़ा फोल्ड कर देती है तो बाहर की तरफ देखती है, तो एक साइड उसे बहता हुआ पानी जो एक नहर के रूप में दिखाई देता है। बियॉन्ड द कैनल देयर आर पाम ट्रीज, वहाँ पर पाम ट्रीज थे, उनकी हाइट बहुत ज़्यादा थी, ग्रास लैंड थे, डिस्टेंट माउंटेन्स थे, एंड द ब्लू स्काई दिखाई दे रहा था। ऑन द अदर साइड देर इज़ आ डीप डिच बियॉन्ड इट, एक गहरी खाई बनी हुई थी। देर आर फील्ड्स एज फार एज द आई कैन सी, दूर दराज तक खुले मैदान दिखाई दे रहे थे। नेक्स्ट द एल्डरली मैन कॉल आउट टू हर सेइंग सिट डाउन चाइल्ड, वहीं पर एक एल्डरली मैन है जो जब वाली को दिखाई नहीं देता बाहर का, तो खड़ी हो जाती है सीट पे। तो इसके लिए जो उसके साथ बैठे हुए हैं बाकी पैसेंजर, उनमें से वन पैसेंजर उसको नीचे बैठने के लिए कहता है, लेकिन वाली सेज दैट शी इज़ नॉट अ चाइल्ड एंड दैट शी हैज़ पेड हर फॉर ऑफ 30 पैसे। तो इसके ऊपर वाली कहती है कि वो चाइल्ड नहीं है, बच्ची नहीं है, क्योंकि उसने पूरी टिकट ली है, पूरे पैसे दिए हैं। अचानक से क्या होता है कि यंग जो लेडी है आती है, यंग काउ कम्स एंड स्टार्ट रनिंग। अचानक से क्या देखती है वाली कि बाहर जब उसकी नज़र जाती है तो यह एक यंग काउ है जो कि बस को फॉलो करती हुई बस के साथ साथ दौड़ रही है। एट लास्ट द काउ मूव्स ऑफ द रोड, और धीरे धीरे वो फिर साइड में चली जाती है। जो उसके बाद क्या होता है, बस जो है टाउन में पहुंचती है। वाली रिमेंस सिटिंग इनसाइड द बस, जब स्टॉप पे बस रुक जाती है तो वाली बस में ही बैठी रहती है। शी हैज़ ओनली 30 पैसेज लेफ्ट विद हर फॉर द फेयर, क्योंकि उसके पास 30 पैसे बचे हुए थे जो उसे वापस जाते टाइम किराए के लिए देने थे। द कंडक्टर ऑफर्स टू बस फॉर हर अ ड्रिंक बट शी रिफ्यूज़। कंडक्टर जो है वो बहुत ही काइंड पर्सन था, वो उसे कोल्ड ड्रिंक और बिस्किट्स वगैरह के लिए ऑफर करता है, लेकिन शी वॉज वेरी सेल्फ रिस्पेक्टेड गर्ल, दैट्स वाई शी डिनाइड टू कंडक्टर। थैंक यू बेटा, रिमेनिंग क्वेश्चन आंसर आई विल सेंड यू टुमारो, हैव अ नाइस डे।